ये मेरी स्किन के हिसाब से बहुत ही जो। चलो क्यूटी है। हाय, हम लोग मेरा फेवरेट फ्रूट लेके आए हैं। हैप्पी दुर्गा अष्टमी गाइज। आज हम लोगों के सबसे पहले पूजा होगी, फिर उसके बाद कन्या खिलाते हैं, उसके बाद हम लोग मंदिर जाते हैं। लोग के जो नवरात्रि रखते हैं ना, उसमें थ्रू आउट नवरात्रीज ना नेल्स कट करते हैं, ना हेयर वॉश करते हैं, ना लहसुन प्याज खाते हैं, और तो वैसे काफ़ी सारी रेस्ट्रिक्शंस होती है नवरात्रि में। तो मैंने आज 7 दिन बाद हेयर वॉश किया, बिकॉज आज अष्टमी है, और अभी हम लोग जाएंगे पहले मंदिर में पूजा करने, फिर घर पे पूजा करेंगे। और ये मैंने लगा के देखी, ये मेरी स्किन के हिसाब से बहुत ही लाइट है। मतलब मेरी बहुत ही एक्सट्रीमली ड्राई स्किन है ना, तो ये लगाया उसके बाद मुझे ऐसे लग रहा है कि मैंने लगाई नहीं, कोई मॉइस्चराइजर नहीं लगाया, स्किन में अब्जॉर्ब हो गई और फिर से स्किन ड्राई हो गई। तो मेरी स्किन के हिसाब से तो यही सही है, पॉन्ड्स की कोल्ड क्रीम या तो फिर ये जॉय की फ्रूट क्रीम। मतलब एटलीस्ट थोड़ी तो थिक कंसिस्टेंसी हो। मैंने लिख रखा है ना, सुपर हाइड्रेटिंग ग्लो, हाइड्रेटेड ग्लो, ऐसा मुझे कुछ नहीं लगा। पागल बनाते हैं लोग। मस्त फ्लावर्स तोड़ के आई मैं घर से। वैसे मुझे पूजा में 1 घंटा लगता है, आज मैं आधे घंटे में आ गई जल्दी जल्दी पूजा करके, क्योंकि घर पे करनी है ना फटाफट। पूजा हो चुकी है हमारे, अब बन रहा है भोग का प्रसाद, खाना बन रहा है। मतलब खाने में लेट ना हो जाए इसीलिए दिस डॉटर इज ऑन ड्यूटी। मैंने सोचा था जल्दी जल्दी करवा लेते हैं मम्मी को, ताकि कन्या खिलाने में लेट ना हो जाए, और हमें मंदिर भी 12 बजे से पहले पहुंचना होता है। घर में पूजा करने के बाद, घर में कन्या खिलाने के बाद मंदिर जाते हैं हम लोग। ये बन चुके हैं, हलवा बन रहा है, और यहाँ बन रही है पूरी। तो आज हमने बनाया चावल सब्जी पूरी हलवा चने। खाना ऑलमोस्ट रेडी है, ये है सब्जी, ये है चावल, वो बन रहा है हलवा, बन रहा है पूरी, फ्राई हो रही है, और चने बना लिए। कन्याओं को बुलाना है, मैं जल्दी से बुला के आती हूँ। आ जाओ आ जाओ, तुम लोग तो आ जाओ, बहुत क्यूट क्यूट छोटी छोटी सी, जाओ चलो वहाँ बैठ जाओ। पहला भोग लगता है माता रानी को, फिर लड्डू जी को, लड्डू गोपाल जी को, फिर हम जो भी चीज़ें कन्याओं के लिए लाए हैं वो माता रानी को चढ़ाई जाती है पहले। जय माता रानी, जी को कुछ भी चाहिए बोल देना, ओके। क्यूटी है। हाय, वैसे पूरा खाना फिनिश करवाना है तो ऐसे बोलना पड़ता है। सब पूरी थाली फिनिश करेंगे, नहीं तो किसी को गिफ्ट नहीं मिलेगी, ठीक है ना? पूरा खाना बना लो चम्मच। इतना जल्दी जल्दी करा लेकिन लेट हो ही गई, 12:30 बज गई, क्योंकि हमने पहले खिलाई ना कन्या, उनके बाद गए, उनके बाद फिर दूसरी और आ गई, तो फिर ऐसे किसी को बेचते नहीं है ना, तो उसके चक्कर में देर हो गई। और सुबह का पाइप भी ले निकला हुआ है। मैंने सोचा था कुछ इंडियन पहन के जाऊंगी चेंज करके, बट इतना टाइम ही नहीं है, मैंने टी शर्ट चेंज कर ली और मैं ट्राउजर पहन रही उसके नीचे। बस चेंज्ड, रेडी, कितनी कोशिश करी लेकिन 1 तो बज ही गया, अब क्या ही कर सकते हैं। वो बच्चों के काम, गद्दे अगर आदि घर तो बाद में आके सही कर लेंगे, अब चलते हैं मंदिर। तो ये रहा वो मंदिर जहाँ पर हम लोग, हमारी पूरी फैमिली अष्टमी के दिन घर में पूजा करके कन्या खिला के फिर आते हैं। यहीं पर ही हमारा फास्ट खुलता है, यहाँ के हवन में आहुति देने के बाद, यहाँ से प्रसाद लेने के बाद घर जाकर खाना खाते हैं। तो इस तरीके से हमारा फास्ट खुलता है। घर आ गए, 2 बज गई, पूरा 1 घंटा लगाया मैंने।
मंदिर में। मम्मी कह रही है मुझे भी दिखा डालूंगी अब तो। कह रही ठीक है चलो मैं चेंज करना है। थक गए बेचारी मेरी माँ, देखो चुन्नी उतार के फेंक दी। लोग मेरा फेवरेट फ्रूट लेके आए, ये पुष्कर से ही आता है और ये ना थोड़े टाइम के लिए मिलता है और ये बहुत जल्दी भी खराब हो जाता है, इसकी लाइफ बहुत छोटी होती है। और इसका नाम है शहतूत। आपके यहाँ इसको क्या कहते हैं मुझे बताना कमेंट्स में। ये कैसा शहतूत है, ये तो कैक्टस के जैसा लग रहा है। एक में से दो जुड़वा है, जुड़वा अलग कर दे, जुड़वा शहतूत। फाइनली अब जाके खाना खा रहे हैं हम लोग। 2000 years later. खाना खाने के बाद इतनी गहरी नींद आई है ना मैं बता नहीं सकती। एक बार में सोने में ही नींद आ गई, नहीं तो आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं बस मैं लेटी हूँ बेड पे और मुझे नींद आ गई हो। छः नहीं 6:30 बज चुकी है। बाहर चलते हैं और बाहर के नज़ारे देखते हैं। मम्मी ऑलरेडी बाहर बैठी है। गाइस इन फ्लावर्स का नाम पता चल गया, इसको बोलते हैं डबल चांदनी, मम्मी ने बताया मुझे अभी। और इसको इसका तो मम्मी भी भूल गई, याद है बाद में बताऊं। इसको पेटोनिया और उसको येलो कलर का जिसमें फ्लावर आ रहा है इसका भी भूल गई। और कोई टाइम पे हो ना हो लेकिन इसका हमारे घर पे टाइम पे आना इज फिक्स्ड। यहाँ रख दूँ वो रखा है। रात में हम लोग काली माता के मंदिर गए थे। यहाँ पर हर अष्टमी पर जागरण होता है और यहाँ फुल तैयारी चल रही है अभी जागरण की और थोड़ी देर में क्योंकि स्टार्ट होने वाला है। हम लोग यहाँ सिर्फ 10 मिनट्स के लिए बैठे क्योंकि हम लोग यहाँ पे दर्शन करने आए थे और घी देने आए थे, फिर हम लोग उसके बाद घर आ गए। ये शर्ट मुझे टाइट थी और अब देखो लूज हो गई है, मतलब कुछ तो फर्क पड़ रहा है एक्सरसाइज का। कुछ क्या, बहुत ज्यादा विजिबल चेंजेस आ गए।